गाइज ये है एच पी नोटबुक 250G8 मॉडल इसका है, और ये जो प्रोडक्ट है आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। इसका दो वेरिएंट अवेलेबल होता है। फर्स्ट वेरिएंट आपको 11 जनरेशन i3 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसका जो प्राइस है ना अप्रॉक्स 42,990 रुपये रखा गया। और जो दूसरा वेरिएंट इसका i5 के साथ आता है, उसका 60,000 के आसपास मिलता है। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग इस नोटबुक की अनबॉक्सिंग। मैं दूंगा आप सबको फर्स्ट इंप्रेशन, एंड वीडियो पे आप लोग पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट को जानते हैं कि साथ में क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइज फाइनली मैंने इस नोटबुक को अनबॉक्स कर लिया है, और ये जो लैपटॉप है ना यहाँ पे ब्लैक कलर में है, बट अगर आप रियली में इसको फील करेंगे तो आई थिंक कि थोड़ा सा आपको ग्रे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर इसके बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें, लेकिन इससे पहले इसके साथ आने वाला जो बॉक्स कंटेंट है, तो सिंपली आपको तीन चीज़ें मिलती है। जैसे कि आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल गार्ड मिल जाता है, एक पावर केबल मिलता है, और साथ में 65 वाट का ट्रेबल अडेप्टर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये जो लैपटॉप है ना प्राइस वाइज कितना वर्थ रखता है नहीं रखता है वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू। तो ये जो लैपटॉप है यहाँ पे आपको फुल प्लास्टिक से बना मिलता है। इसका जो पूरा बॉडी है यहाँ पे टोटली प्लास्टिक से बना हुआ मिलता है, एंड इसका जो साइज है 15.6 इंच में आ जाता है। एंड यहीं पे अगर इसके राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है दो USB पोर्ट, यहाँ पे आपको टाइप ए देखने के लिए मिलता है। यहीं पे चार्जिंग पिन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में आपको कार्ड रीडर लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। एंड इस लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को लैन केबल लगाने का ऑप्शन मिलता है, HDMI केबल लगा सकते हैं, एंड आपको सी टाइप चार्जिंग पिन का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि इससे आप डाटा ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। और यहीं पर आपको कुछ इंडिकेटर लाइट मिल जाता है, जैसे कि पावर कीज का और साथ में लैन केबल का। तो ये इसके साथ आने वाले कुछ फीचर्स, और यहीं पे 3.5mm जैक लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आपको दो ही USB पोर्ट मिलता है, और एक साथ में आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड अदरवाइज इसके अंदर आपको फुल न्यूमेरिक की मिल जाता है, एंड इसका जो साइज़ है मैंने पहले भी बताया कि 15.6 इंच में आता है। ये जो लैपटॉप है अपने को 42,990 रुपये के आसपास मिला, और ये जो लैपटॉप है ना i3 11 जनरेशन के साथ अवेलेबल होता है। इसके अंदर आपको 8GB का रैम और 512GB का SSD कार्ड लगा हुआ इनबिल्ट मिल जाएगा। एंड इसके डिस्प्ले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 15.6 इंच HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो यहाँ पे HP ने कहीं भी कंफर्म नहीं करा कि इसके अंदर LCD पैनल यूज करा गया है या फिर बैकलाइट पैनल यहाँ पे दिया गया है, बट यहाँ पे इसका जो निट्स है ना वो आपको 250 मिल जाता है, मतलब कि ये आपको थोड़ा ब्राइटर देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर आपको एडिशनल ग्राफिक कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर यूज करा गया है, इसलिए इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स इनबिल्ट अवेलेबल होता है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें ना तो आपको नैरो बेजल टाइप का डिस्प्ले मिलता है, मतलब कि आपको ऊपर साइड में भी थोड़ा सा बेजल देखने के लिए मिलेगा, एंड नीचे में भी आपको बेजल मिलेगा, और साइड से आपको थोड़े पतले पतले बेजल देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में ही पे हम लोगों को इनबिल्ट माइक्रोफोन मिल जाता है, और ऊपर में आपको वेबकैम मिलता है जो कि 720p रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो आई थिंक कि वीडियो कॉलिंग करते टाइम वीडियो क्वालिटी होगा वो आपको काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे टच पैड जो इसका है ना यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है, और न्यूमेरिक की मैंने पहले ही कहा कि आपको टोटली यहाँ पे मिलता है, डेडिकेटेड मिलता है, एंड अप साइड में ही आपको स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाता है। तो ये लैपटॉप की वेट की अगर बात करें तो इसका जो वेट है 1.74 kg रखा गया है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत भारी या बहुत हल्का है। इस लैपटॉप को स्पेशली डिज़ाइन करा गया है बिजनेस पर्पस से या पर्सनल रीजन से, दिस लैपटॉप नॉट फॉर गेमिंग। और अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो इसके अंदर आपको 3 सेल बैटरी मिलता है, और अगर बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो आपको अप्रॉक्स 5 घंटे तक का नॉन स्टॉप बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इसका जो ट्रेबल अडेप्टर है 65 वाट का, अगर आप इसके साथ यूज करते हैं तो अप्रॉक्स 90 मिनट का टाइम मिलेगा इसे फुल चार्ज करने में। और फाइनली अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसके अंदर आपको मिलता है विंडोज 10 जो कि प्रीलोडेड है होम सिंगल लैंग्वेज, तो ये आपको अपग्रेड भी हो जाएगा विंडोज 11 जो कि अभी आया हुआ है। और मेरे ख्याल से ये लैपटॉप जो है ना काफ़ी स्लिम तो नहीं लगा, लेकिन आई थिंक कि पर्सनल यूज के लिए काफ़ी सही है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।